नमस्कार, एपीएन की खास पेशकश बैलेट बॉक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रफी समी। हम पहुंचे हैं मेरठ, जहां जानेंगे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर क्या कुछ चाहती है मेरठ की जनता, क्या कुछ सोचती है मेरठ की जनता। हमारे साथ मौजूद है मेरठ विधानसभा क्षेत्र के ईदगा चौपला क्षेत्र की जनता। जानेंगे इनके क्षेत्र में अब तक क्या विकास हो पाया है, किन विकासों से ये महरूम है और आने वाले सरकार से किस तरह का विकास चाहते हैं अपने क्षेत्र के लिए। सफाई बिल्कुल नहीं है हमारे क्षेत्र में। बात है आने वाली सरकार भी यहाँ पे अखिलेश भैया की सरकार बने। कारोबार तो डे बाय डे नीचे को जाता जा रहा है। आने वाला कोई भी विधायक हो वो लोगों से मिल के चले। समाजवादी सरकार ने सारी समस्याएं दूर करी हैं। आपके क्षेत्र की अगर विकास की बात करें तो क्या कुछ विकास अब तक हो पाया है आपके क्षेत्र में? हमारे यहाँ स्थानीय विधायक जो है उससे लोगों को ये उम्मीद थी कि मोहल्लों में स्कूल खुलवाएं, कम्युनिटी हॉल बनवाएं, लेकिन आज तक स्थानीय विधायक ने कोई भी कम्युनिटी हॉल और स्कूल नहीं बनवाया। यहाँ पर विकास की बात जो है वो यहाँ के स्थानीय जो जनता है, हमारी जो समाज सेवी हैं, उन लोगों ने ही यहाँ पर जो है विकास कराया है। हमें केंद्र सरकार से ये उम्मीद थी कि वो मेरठ सिटी को जो है स्मार्ट सिटी बना देंगे, लेकिन उन्होंने स्मार्ट सिटी केंद्र सरकार ने नहीं बनाया है। यहाँ पर ड्रेनेज की जो है प्रॉब्लम है, नाली और नाले की प्रॉब्लम है। अगर केंद्र सरकार यहाँ पर मेरठ का स्मार्ट सिटी बना देती तो यहाँ पर सीवर सिस्टम हो जाता और नाले वगैरह जो है वो ढक जाते और सही तरीके से सुचारू पानी चलता रहता। यहाँ के स्थानीय विधायक जो है वो आज तक कमेले की बात उठाते रहे और वहाँ पर जो है कोई बात नहीं की। हर दफा कमेले को मुद्दा बनाकर आज तक वोट लेते रहे, लेकिन शहर के अंदर कोई विकास नहीं बनाया। जो कमेले का जो ख़त्म किया है वो मौजूदा सरकार ने कमेले को ख़त्म करके वहाँ पर स्कूल बनाया है, एक अस्पताल वहाँ बन रहा है। मौजूदा विधायक आज तक किसी भी क्षेत्र के अंदर, किसी भी कम्युनिटी के क्षेत्र के अंदर वो नहीं आते हैं। सिर्फ इलेक्शन जब आता है वो अपना चेहरा दिखाना चाहते हैं, वो कम्युनलिज्म के नाम पर वोट मांगना चाहते हैं, जबकि आपकी ये वाली जो जनता है वो विकास चाहती है और विकास के नाम पर जिसने विकास कराया है उसी को वोट देगी। क्या क्या समस्या है आपके क्षेत्र की युवा है, आप किस तरह की समस्या से आप रूबरू हो रहे हैं, झेल रहे हैं? भाई हम चाहते थे जैसे केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी जी आए हुए हैं, उनकी पूरी बहुमत से सरकार चली थी, वो चाहते थे युवा पीढ़ी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी कुछ कर सकते थे भाई, युवाओं को पेंशन दे सकते थे, जो कि उन्होंने नहीं किया है। जो मौजूदा सरकार अखिलेश भैया की चल रही है उन्होंने युवाओं के लिए लैपटॉप, कन्या विद्यादान, समाजवादी योजना, पेंशन उन्होंने सब मुहैया कराई है, जो कि केंद्र सरकार से हमें मौजूद नहीं हुई है। और जो स्थानीय यहाँ के विधायक हैं जो पहले भी काफ़ी बार यहाँ से जीत चुके हैं, उनके पास अगर हम स्टूडेंट्स या यहाँ के युवा अपनी अपील लेके जाती है, भाई हमें कोई समस्या है या किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत आ गया या नाली भर रही है, किसी को कॉलेज जाना कोई मामला है, सीवर भर जाते हैं बारिश के टाइम पे, तो वो समस्याओं को भी सुनते नहीं है। बस यहाँ के मौजूदा जो विधायक उनका ये काम रह गया है कि पार्टियों में जाना है और सिर्फ वहाँ जाके फीता काट के आना है, तालियाँ बजवानी है। अब जैसे कि चुनाव का बिगुल बज चुका है, चुनाव का टाइम आ गया है, तो वो अब आ जाते हैं मौके पर, अपनी शक्ल दिखा देते हैं, पहले वो कभी नहीं आए 5 साल में, और सिर्फ यहाँ पे जो भी अगर काम करा है वो जो मौजूदा सरकार अखिलेश भैया की चल रही है उसने ही यहाँ पे मौजूदा अभी तक काम किया, और हम चाहते हैं आने वाली सरकार भी यहाँ पे अखिलेश भैया की सरकार बने। और कैसा विकास चाहते हैं अपने क्षेत्र में? जैसा कि आप इस क्षेत्र में रहते होंगे आपको अनुमान होगा कि इस क्षेत्र में कैसा डेवलपमेंट हो जो यहाँ के लोगों को ज़्यादा सुविधा मिल पाए। भाई हम यहाँ चाहते हैं सबसे पहले तो यहाँ पे जितनी भी गली मोहल्ले हैं वहाँ की रोड टूटी हुई हैं, गलियों में पानी भर जाता है, कि हम चाहते हैं सीवर प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो सीवर का यहाँ पे दिक्कत दूर होनी चाहिए। उन्हें मौजूदा विधायक को ये कहना चाहिए, नगर निगम को आदेश करना चाहिए कि भैया जितने भी कूड़ा करकट है मौके पर आके इसे निकलवाएं, गलियां बनवाएं। पिछले अभी 4 दिन पहले यहाँ पे रोड पे कूड़ा निकाल के नगर निगम के द्वारा फेंक दिया गया था, उसकी शिकायत भी हमने मौजूदा विधायक से करी थी, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ पे जनता ने आक्रोश दिखा के रोड पे लोग गिरने लगे, घायल होने लगे, उन्हें बुलाया रात को मौके पे, हमने सफाई करवाई यहाँ पे। तो हम सब यही चाहते हैं कि आने वाली सरकार जो हो वो युवाओं को भी ध्यान रखते हुए यहाँ पे जो जो छोटी छोटी समस्याएं हैं इन्हें भी दूर करी जाए, क्योंकि जब तक ये समस्याएं दूर नहीं होने की तो हमारा जो भारत देश है कैसे स्वच्छ बनेगा। अगर बात करें, आपने बहुत सारी सरकारें देखी होगी, बहुत सारी पार्टियां देखी होगी, आपके क्षेत्र में क्या लगता है अब तक कुछ विकास हुआ है या किस तरह की उम्मीद करते हैं विकास? समाजवादी विकास कर रहा है। क्या उम्मीद करते हैं, किस तरह का विकास हुआ? विकास बढ़िया होना चाहिए, पब्लिक की सारी समस्याएं हल होनी चाहिए, ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो इधर आके देखे ही नहीं।
अगले सी सरकार चली, सबका ध्यान रखती है वो, छोटे बड़े का सबका। आपके क्षेत्र की अगर समस्या की बात करें तो क्या सबसे बड़ी समस्या है जिसे जल्द दूर किया जाना चाहिए? सफाई, सफाई बिल्कुल नहीं है हमारे क्षेत्र में। जो सफाई होती है यहाँ के सभासद करा लेते हैं, सरकार की कोई योजना नहीं है। क्या पूरी तरह से गंदगी फैला? पूरी गंदगी। हम चाहते हैं दोबारा समाजवादी आए और सबका ख्याल रखते हो। तो गंदगी इनके क्षेत्र में अंबार बना हुआ है जो सबसे बड़ी समस्या के रूप में आया है। जैसा कि बिजली पानी सड़क मूलभूत सुविधा होती है, लोग चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में बिजली पानी सड़क बेहतर ढंग से हो, बेहतर व्यवस्थित ढंग से पहुंचे। क्या लगता है कि वो सारी चीज़ें बेहतर ढंग से पहुंचती है या और बेहतर होनी चाहिए आपके क्षेत्र में? इसमें आने वाला कोई भी विधायक हो वो लोगों से मिल के चले और लोगों की समस्याएं सुने, उनका समाधान करें। तो हम तो ये चाहते हैं कि विधायक कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हो, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जनता से मिल के चले, जनता के काम करें। ऐसा ना हो कि 5 साल के लिए आते हैं और चुनाव कराते हैं, जीत जाते हैं, उसके बाद वो चेहरा नहीं दिखाते हैं। जनता के बीच में रहे, जनता की समस्या सुने। जब जनता वोट दे देती है, उन्हें जिता देती है, उसके बाद वो लोग जनता के बीच में नहीं आते तो जनता अपने आप को एक ठगा महसूस करती है कि जैसे कि हम ठग गए। हम नहीं चाहते कि जनता ठगे। अब जनता जागरूक हो चुकी है, जनता को पता चल चुका है कि कौन सी बात सही है और कौन सी गलत है। हम ये चाहते हैं विधायक कोई भी बने, किसी भी पार्टी से बने, हम सभी के साथ में हैं। बाकी जनता की समस्या सुने, जनता के साथ में मिल के चले और जनता के बीच में रहे, जनता के हित की बात करे। जैसे कि अभी देखते हैं कि यहाँ जाम लग जाता है, अगर हमें 4 किलोमीटर जाना है तो यहाँ इतना बुरा जाम होता है कि सर में दर्द हो जाता है। जैसे कि रास्तों में जो है दुकानें हैं, दुकानों के बाद में इतनी दुकानें इतने आगे रास्ते बन जाते हैं, उनकी समस्या नहीं होती। अरे जब आप लोग विधायक बने हो तो अपने क्षेत्र में कम से कम इतना तो काम कराओ कि रोड पर जो है कोई भी ठेला या किसी भी तरह का वो ना हो। अभी एक मामला सामने आया था हमारे, पैंठों का मामला आया था। उस पैंठों के मामले में हमने सभी अधिकारियों से बात की, सभी विधायकों के पास गए। 18,500 लोग आज भी बेचारे बेबस हैं। हमें आदेश किया गया कि आप आदेश करा लाइए, हाई कोर्ट के आदेश हैं और इसलिए यहाँ से पैंठ हट रही हैं। हमने पैंठ हटवा दी सबसे। अभी तक उन लोगों को कहीं भी कोई जगह मुहैया नहीं हुई है। 8 हफ्तों का समय हमें दिया गया था और 8 हफ्ते पूरे होने को आ रहे हैं, अभी तक कोई समस्या सुनवाई नहीं गई। तो ये जनता जब बेचारी पहले तो जो है नोटबंदी से परेशान थी, उसके बाद में नोटबंदी से परेशान हुई, चिकनगुनिया से परेशान हुई, अब काम हल्का है। तो जनता को जो है अब आचार संहिता लगी हुई है, जगह पैंठ की कहीं मिल नहीं पाई है, तो जनता क्या करेगी, कहाँ जाएगी जनता? कैसा सरकार इस बार चाहेंगे, कैसा विकास चाहेंगे आप अपने क्षेत्र में? जैसा कि बता रहे हैं लोग, आपके क्षेत्र के लोग बता रहे हैं कि नाली की समस्या यहाँ पर है, जाम की समस्या है। क्या उम्मीद करते हैं आने वाले सरकार से, हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे जो आपके क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या बनी? हम तो चाहेंगे सरकार जैसे भी आवे, अच्छी सरकार आवे और युवाओं का ध्यान रखे। बेरोजगारी बहुत हो गई शहर में, कोई मतलब कारोबार तो डे बाई डे नीचे को जाता जा रहा है और कोई सुनने वाला है नहीं। किसी नेताओं के पास जाते हैं, कोई नहीं सुनता। तो अखिलेश भैया का है थोड़ा सा चल रहा है, बाकी तो कुछ भी नहीं हो रहा। टाइम बेरोजगारी बहुत है और विकास तो जीरो है बिल्कुल शहर में। क्या उम्मीद करते हैं अब आने वाले सरकार से विकास के नाम पर? जैसा कि आपने कहा कि विकास बिल्कुल जीरो है, किस तरह का विकास अब चाहेगी जनता आने वाली सरकार? डेवलपमेंट नहीं है बिल्कुल शहर में, डेवलपमेंट नहीं है यहाँ पे। जो विधायक जीते हैं वो अपने आके अपना घर बैठ जाते हैं, फिर 5 साल बाद फिर निकल के आते हैं। बाकी आप नाले देखिए, रोड देखिए, ट्रैफिक बहुत है, मतलब समस्या बहुत है शहर में। किस समस्या से आप रूबरू हो रहे हैं, कितनी परेशानी हो रही है, उसे जाहिर करें जी। समस्याएं तो ऐसी कोई मूलभूत समस्याएं नहीं है, समाजवादी सरकार ने सारी समस्याएं दूर करी हैं। लेकिन अगर छोटी मोटी कोई समस्याएं आती हैं तो हम विधायक जी के पास जाते हैं, तो विधायक जी यहाँ को कोई काम नहीं करते हैं। अगर कोई काम करता है तो प्रतिनिधि करते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि करते हैं। यहाँ के जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं वो 5 साल तक हमारे लोगों के बीच में गए हैं, जो मूलभूत सुविधाएं दी हैं उन्होंने दी है और काम भी किया है उन्होंने ही किया है। कैसा सरकार और कैसा विकास इस बार जो सरकार जो भी बनेगी, उन विकास सरकारों से क्या कुछ उम्मीद है, किस तरह की विकास खासकर आपके विधानसभा क्षेत्र में हो, आपके क्षेत्र ईदगाह चौपला में? जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने हमें मेट्रो दी है, उसमें मेट्रो से विकास होगा। दूसरा, थोड़ा सा जाम की समस्या रहती है यहाँ पे
और यहाँ के विधायक अब चेंज हो जाएंगे तो हमें लगता है कि समस्याएं जो जो भी हैं हमारी दूर हो जाएंगी समस्याएं। ये थे हमारे साथ ईदगाह चौपला की जनता, जिनका मानना है विकास करने वाली पार्टी ही इस बार उत्तर प्रदेश की सरकार बनेगी, इनके क्षेत्र के विकास करने वाली पार्टी को ही ये अपना बहुमूल्य मत देंगे। हमारे जनता के साथ रूबरू इसी तरह जारी रहेगा, जहाँ हमारे साथ जाकिर कॉलोनी की जनता मौजूद है, जानेंगे कि क्या कुछ इनके क्षेत्र में विकास हुआ है, क्या कुछ विकास नहीं हो पाया है और कैसी सरकार चाहती है यहाँ की जनता। वोट लेने का टाइम आता है जब तो सारे आते हैं, सारी सुविधा बताते हैं, लेकिन उसके बाद कोई नजर नहीं आता। परिवर्तन चाहते हैं, विकास चाहते हैं। हम यही अपील करेंगे आने वाली सरकार से कि हमारी तरफ ध्यान दिया जाए। पहले आप ये बताइए कि आपके क्षेत्र में क्या कुछ विकास हो पाया है, क्या कुछ विकास से महरूम है अभी? हमारे यहाँ विकास बिल्कुल जीरो है और जाकिर कॉलोनी के अंदर गंदगी का आप ढेर देख चुके हो और काम चल रहा है, लेकिन विधायक की निधि से कोई काम नहीं हो पाया। जो पार्षद लोग हैं वो बेचारे अपने लेवल पर काम कर रहे हैं, लेकिन विधायक ने कभी शायद जाकिर कॉलोनी की गलियाँ भी नहीं देखी। तो हमारे यहाँ ऐसा कोई काम नहीं हुआ और हमारे बीच में जो भी काम की ज़रूरत है वो मलिन बस्ती बहुत ज़्यादा है। जाकिर कॉलोनी, लक्कीपुरा, उधर खुशहाल नगर मलिन बस्ती है, 6-6 फुट के गड्ढे हैं, विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है वहाँ पर। कैसा इस बार सरकार चाहेंगे, जैसा कि आपके क्षेत्र के आपके जो सहयोगी है, आपके साथी है, इनका कहना है कि पीछे जो भी क्षेत्र में कोई विकास नहीं हो पाया, आपकी कॉलोनी में गंदगियों का अंबार है, पानी बिजली भी अब तक सही नहीं पहुँच पाया, ऐसे में कैसा सरकार चाहेगी जनता इस बार जाकिर कॉलोनी की, कैसा क्या ताकि कैसा विकास हो सके आपका? सबसे यही उम्मीद लगाते हैं, हर दफे लगाते हैं, लेकिन कोई विकास तो होता नहीं किसी तरीके का। मतलब जब बच्चे हमारे परेशान हैं, गड्ढों में गिर रहे हैं, मर रहे हैं, कोई नहीं है दुनिया भर का यहाँ। मतलब पुलिस से भी कोई शिकायत करने जाए तो पुलिस प्रशासन भी हमारी कोई तरफ तवज्जो नहीं देता है। मतलब सब ये जब वोट लेने का टाइम आता है जब तो सारे आते हैं, सारी सुविधा बताते हैं, लेकिन उसके बाद कोई नज़र नहीं आता। आप तुम देख ही रहो हमारा यहाँ क्या हाल हो रहा है भाई, ये हमारी ज़िंदगी है। सरकार से क्या कुछ हमारे चैनल से के माध्यम से अपील करना चाहेंगे, क्या कुछ आपके क्षेत्र में जो प्रथम दृष्टिया रखे सरकार, पहले उसे फोकस करे ताकि आपके क्षेत्र का विकास हो सके? सबसे पहले तो पढ़ाई की तरफ को ध्यान है, जब हमारे बच्चे पढ़े लिखेंगे तो सब मतलब समझदारी भी आएगी, उनमें सहूलियत भी आएगी। और ये चीज़ सारी चीज़ है नहीं, स्कूल नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ सब ऐसी है। तुम देखोगे तो बच्चे यहाँ मार दिखाई देगा, सब कोई कुछ खेल रहा है, कोई कुछ खेल रहा है, बस ऐसी है। खफा है लोग सरकार से और प्रशासन से कि एक स्कूल होनी चाहिए थी। हमारे साथ और भी लोग मौजूद है, चुनाव का मौका है, जैसा कि आपके साथी, आपके सहयोगी, आपके राहगीर जो हैं वो, उनका कहना है कि यहाँ स्कूल नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र बेहतर नहीं है, ऐसे में चुनावी बिगुल बज गया। इस बार कैसी सरकार चाहेंगे ताकि आपका विकास हो सके? दरअसल में हमारे यहाँ जो पार्षद है वो भी बीजेपी का है और जो विधायक है वो भी बीजेपी का है। तो हमारे सामने से जो सड़क निकल के गई है वो सड़क 8 बार बन चुकी है, काला रोड। और हम इधर सेक्टर 11 की तरफ को जब निकल कर जाते हैं तो एक बार भी कोई विकास नहीं हुआ, ना किसी निधि से विधायक की पैसा लगा है, ना रोड बना है। और हमारा यही वो है, अब यहाँ शिक्षा का एक बहुत बड़ा और विकास जो किया है तो अखिलेश सरकार में थोड़ा विकास हुआ है, जहाँ तक विकास की बात है। तो हम परिवर्तन चाहते हैं, विकास चाहते हैं, स्कूल चाहते हैं, अस्पताल चाहते हैं। अब आपके हाथ में पावर है, क्या आप कैसा सरकार चाहेंगे और कैसा विकास चाहेंगे, जैसा कि आपके सहयोगी भाई ने कहा है और उनका कहना है कि विकास यहाँ कुछ नहीं हुआ, तो इस बार कैसा विकास चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं APN न्यूज़ का धन्यवाद करूँगा कि आप लोग हमारे बीच आए, हमारी समस्या सुनने के लिए आए। और हकीकत है कि हम बहुत समस्या में घिरे हुए थे। आप इस वक्त मेरठ शहर की दक्षिण विधानसभा में खड़े हुए हैं और इस मेरठ शहर में जो 3 शहर की सीटें आती हैं वो तीनों की तीनों पिछले 15 साल से BJP के पास हैं। यहाँ के जो मेयर हैं वो BJP का कब्जा करे हुए बैठे हैं और आज तक नगर निगम कोई विकास करता हुआ नहीं आ रहा है यहाँ पे। विधायक नीति से कोई किसी तरीके की, जो कि पिछली पहले सरकारें भी रही हैं, कोई यहाँ पर जो दक्षिण विधानसभा में अल्पसंख्यक बहुल्य एरिया भी काफ़ी है, यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ पर जो अभी मेरे साथी भाई ने बोला था कि दोहरीकरण किया जाता है, बल्कि हम लोग सब एक साथ जुन करके जनता जो है सरकार को लेकर के आती है। हम यही कोशिश करेंगे, हम यही अपील करेंगे आने वाली सरकार से कि हमारी तरफ ध्यान दिया जाए और हमारी नज़रों से
चूंकि अभी जो आपने गठबंधन की बात कही है, गठबंधन जो है वो दो युवाओं ने किया है, माननीय अखिलेश यादव जी ने, माननीय राहुल गांधी जी ने, और युवा सोच जो है वो आज की डेट में वो विकास की है, इसी वजह से हम उसको देखते हुए हम समाजवादी की सरकार लाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे और उम्मीद करेंगे कि समाजवादी सरकार आएगी और हमारी अपील सुनेगी और हम लोगों के क्षेत्र को बहुत अच्छा करेगी, विकास करेगी। ये जो आपने अभी देखा है कि यहाँ पर ये गंदगी हो रही है, सब कुछ चीज़ हो रही है, हम आने वाले विधायक से हम यही अपील करते हैं कि वो हमारी तरफ भी ध्यान दें और इन सारे जो इलाके पिछड़े पड़े हैं इन्हें आगे बढ़ाए, विकास ले जाए। और समाजवादी पार्टी से हम यही अपील करेंगे कि आपने जो अभी तक विकास किया है उत्तर प्रदेश के अंदर, आप इसे उत्तम प्रदेश बनाएं और इसे ये जो उत्तर प्रदेश हमारा भारत भारत की जो दिल कही जाती है, आप उसे हकीकत में दिल बनाएं। जाकिर कॉलोनी की जनता विकास चाहती है, काफ़ी खफा है यहाँ की जनता, इनके क्षेत्रों में मूलभूत सुविधा भी बेहतर ढंग से नहीं पहुँच पाई है और इस बार विकास के नाम पर सरकार बनाने की ख्वाहिशमंद है और इस बार विकास करने वाली पार्टी को ही उत्तर प्रदेश की सत्ता में काबिज करने के मूड में है। विकास के नाम पर यहाँ जो कुछ भी है वो सब सिफर है, जीरो है। विकास की अगर बात करें तो शायद एटीएम भी यहाँ पर एक या दो ही लगे हैं। दक्षिण विधानसभा में सबसे बड़ी एजुकेशन की ही कमी है। मैं चाहती हूँ कि मोदी सरकार आए और ईमानदारी से अपना काम करे। एपीएन की टीम की लगातार जनता के साथ रायशुमारी का सिलसिला जारी है, जिसके मद्देनजर हम पहुंचे हैं मेरठ दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के शास्त्री नगर में, जहां की जनता हमारे साथ मौजूद है। जानेंगे क्या कुछ चाहती है जनता, क्या कुछ सोचती है जनता, इस बार कैसी सरकार चाहती है जनता। जैसा कि चुनाव होने को है, पिछली सरकार रह चुके हैं, पिछले विधायक आपके रह चुके हैं, अब फिर मौका है, बारी है, आप जिसे अपना बहुमूल्य वोट देंगे उसकी ही सरकार बनेगी। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपके क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ है। सबसे पहले मैं आपका अवगत कराना चाहता हूँ, बहुत बदनसीबी है हम लोगों की, हिंदू मुस्लिम को जो ये नेता बांट देते हैं और वो अपने वोटों को अलग कर लेते हैं। मुस्लिम जो है हिंदुओं में वोट मांगने नहीं जाता है और हिंदू जो है मुस्लिमों में वोट मांगने नहीं जाता है। वो कहता है कि वोटर की तो मजबूरी होगी हमें वोट देने के लिए, तो हम इस बार ये मैसेज बदलना चाहते हैं और हम चाहते हैं जो विकास करे उसे वोट जाना चाहिए। जैसे अभी हमारा बहुत यहाँ अति पिछड़ा एरिया है हमारा जागीर कॉलोनी, यहाँ 6-6 फुट के गड्ढे थे, तो माननीय आजम खान साहब ने यहाँ थोड़ा सा वर्क कराया है तो कहीं ना कहीं रुख जो है हम लोगों का, खास तौर से मेरा रुख जो है उधर की ओर है। बीजेपी ने अपने कैंडिडेट का टिकट काट के जो है दूसरे प्रत्याशी को दे दिया है। आपने तो अभी पार्टी के लेवल की बात की, अगर विकास की बात करें तो किन विकासों से महरूम है यहाँ की का क्षेत्र, यहाँ की जनता? सबसे बड़ी बात यह है आजकल जो है बीमारियाँ बहुत हैं और पानी का इतना बुरा हाल है कि यहाँ TDS जो है 1000 से ऊपर जा रहा है, इसको किसी बात की चिंता नहीं है। आसपास के जितने भी अस्पताल हैं गरीब गुरबाओं से वो भरे रहते हैं, वहाँ कोई देख नहीं पाता है। गंदगी का बहुत बुरा हाल है, निकासी नहीं है पानी की, गड्ढे बड़े बड़े गड्ढे हैं और बदबू से सड़ा पड़ा है बिल्कुल दक्षिण विधानसभा। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी विधायक आए वो सबसे पहले स्वास्थ्य के लिए काम करे, गड्ढों के लिए काम करे और रास्तों के काम करे, इसी चीज़ से हम लोग आगे जाएंगे। हमारे साथ और भी जनता मौजूद है, क्या कुछ विकास चाहती है यहाँ की जनता, क्या लगता है इस क्षेत्र में पानी बिजली सड़क जैसी जो मूलभूत सुविधा है वो पूरी व्यवस्थित ढंग से आपके क्षेत्र में पहुँची है? सबसे पहले तो यहाँ पर जो सांप्रदायिक जो बातें होती थी मेरठ के अंदर, इन 4-5 सालों में उसमें जो बहुत सुधार हुआ है और ये आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा संकेत है। और दूसरी बात, यहाँ पे जो है एक सबसे बड़ा जो नासूर बना हुआ था दक्षिण क्षेत्र में, मेरठ को पूरा ख़त्म करने का और बदबू का काम कर रहा था, एक कमेला एक यहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा था, उसमें जो है सपा सरकार ने किसी ने भी जो काम किया है मैं वो उसको जो है श्रेय देता हूँ और उससे जो है लोगों का जो मनोबल बढ़ा है और मनोबल जो लोगों पर एहसान किया है उससे जो है समाजवादी को कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होने वाला है। शास्त्री नगर की जनता, खासकर मेरठ दक्षिण की जनता कैसी विकास चाहती है और किन विकासों से महरूम है अभी तक? सबसे बड़ी बात होती है सरकार का ईमानदार होना, तो मैं चाहती हूँ कि मोदी सरकार आए और ईमानदारी से अपना काम करे। वो कर रही है काम, धीरे धीरे होगा आगे चल के काम, तो मुझे नहीं लगता कहीं पार्शलिटी हो रही है और ये जो सभा के हैं या किसी और उसके हैं तो पर्टिकुलर एक जगह का डेवलप नहीं होना चाहिए, पूरे ही इलाके का डेवलपमेंट देखना चाहिए। मैं ये चाहती हूँ बस, सरकार ईमानदार होनी चाहिए, चाहे BJP हो चाहे सपा हो। जनता का कहना है कि विकास जो भी सरकार आएगी करेगी और विकास के नाम पर ही अपना बहुमूल्य वोट का इस्तेमाल करेंगे इस बार। क्या लगता है आपके क्षेत्र में
किस तरह का विकास हुआ है, क्या शिक्षा की अगर हम बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो एजुकेशन को लेकर के एजुकेशन के क्षेत्र में आपकी क्षेत्र कहाँ तक पहुँची है? हमारे दक्षिण विधानसभा में सबसे बड़ी एजुकेशन की ही कमी है और आजकल पूरे विधानसभा को देखा जाए तो हमारे क्षेत्र में सबसे कम विकास हुआ है। एजुकेशन के ऊपर काम किया गया है, वो केवल एक कन्या कंटर कॉलेज हमारी विधानसभा में खोला गया है और जैसा कि अब देखा जा रहा है कि आने वाला कल और जो कल आज चल रहा है वो समाजवादी पार्टी का ही देखा जा रहा है, इसीलिए मुझे उम्मीद है कि दोनों ने जो इन्होंने हाथ मिलाया है शायद अब विकास और ज़्यादा होगा अब की बार। हमारे साथ अवगत जनता है, जानेंगे कि क्या कुछ विकास से अब तक आप लोग महरूम हैं, किस तरह का विकास चाहते हैं? विकास के नाम पर यहाँ जो कुछ भी है वो सब सिफर है, जीरो है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि दक्षिण विधानसभा जो क्षेत्र है ये मेरठ 7 जो विधानसभा है उसमें सबसे बड़ा क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र में कोई भी बैंक नाम की चीज़ नहीं है। पूरे क्षेत्र में कोई सरकारी स्कूल नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है। जनता को जब चुनाव आते हैं तो जनता को इन्हें बरगलाते हैं और विकास के नाम पर ये 5 साल अपने घरों में गाड़ियों में ऐश करते हैं। विकास नाम की यहाँ कोई चीज़ नहीं है। तो क्या कुछ चाहेंगे, जो भी सरकार आए, जिस की भी सरकार आए, उनसे क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से ताकि आप तक पहुँचे और आपका विकास हो आपके क्षेत्र? हम चाहते हैं हमारे बच्चों, जो हमारे बच्चे हैं, आने वाले जो भविष्य है हमारा, उनके लिए अच्छी शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए, उनके लिए स्कूल कॉलेज खुलने चाहिए, हॉस्पिटल होने चाहिए। पानी इतना गंदा है यहाँ का कि उसको अगर हम पिएंगे तो आप उसको चेक करा लीजिए, हम मौत की तरफ जा रहे हैं। आप यहाँ पानी, स्वच्छ पानी होना चाहिए। क्या कुछ लग रहा है कि विकास के नाम पर कौन सी पार्टी आपका विकास कर पाएगी या कौन सी पार्टी आपका जो है आपकी जो समस्या है उसे सुन पाएगी या पुल? देखिए, चुनाव का माहौल है और सभी पार्टी अपनी तैयारी के साथ मैदान में उतरी हैं। ये एक त्रिकोणीय सीरीज चल रही है, इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि कौन है। जिसने अच्छा काम किया पब्लिक उसको वोट करेगी, मगर इसका रिजल्ट आपको आने वाली 11 तारीख को सबके सामने क्लियर होगा। हमारे साथ और भी जनता है, जानेंगे। जैसा कि इनका कहना था कि एजुकेशन, हेल्थ और बिजली पानी भी बेहतर ढंग से इनके क्षेत्र में नहीं पहुंच पाई है, आखिर क्या कमी रही है? जैसा कि इन्होंने बताया कि बिजली पानी और गंदगी का अंबार बना हुआ है, क्या आप लोगों ने पहल नहीं की? क्या जो पहले स्थानीय विधायक है, स्थानीय सरकार है, उनके द्वारा आप लोगों के क्षेत्र में कोई पहल नहीं किया गया? जी, जो भाई ने पहले बताया है कि यहाँ पर हमारे क्षेत्र में जो विकास जीरो है, उसकी जो मेन वजह रह जाती है वो यहाँ पर जब भी भाजपा आई है उनने बिल्कुल मुस्लिम क्षेत्रों को छोड़कर काम किया है, उन्होंने मुस्लिम क्षेत्र का कोई काम नहीं किया। यहाँ तक है कि विकास की अगर बात करें तो शायद ATM भी यहाँ पर 1 या 2 ही लगे हैं। पूरे हापुड़ रोड पर आप ये अस्पताल देख सकते हैं, ATM तक की एक सुविधा यहाँ पर नहीं है। और रही बात स्वास्थ्य की, शायद एक आध स्वास्थ्य केंद्र इस क्षेत्र में हो, और शिक्षा तो बिल्कुल जीरो के बराबर उस पर गई है। यहाँ के लोग काफ़ी नाराज नज़र आ रहे हैं, मूलभूत सुविधा भी इन तक नहीं पहुँची है। क्या लग रहा है कि इस पूरे चुनावी माहौल में कौन सी सरकार, कैसी सरकार और किस से आप वोट देंगे, विकास के नाम पर कैसा वोट देना चाहेंगे ताकि आपका क्षेत्र का विकास हो सके? क्षेत्र का विकास जो पार्टी करेगी उसी को वोट दिया जाएगा। जो बुनियादी समस्याएं हैं यहाँ की, उसकी तरफ को लोगों को देखना है। जो विधायक हमारे जो है निजी विधायक हैं, उन्होंने कभी बुनियादी समस्याओं को नहीं देखा, वो तो आए निकल गए। यहाँ की 90% जनता जो है दक्षिण क्षेत्र की विधायक का चेहरा ही नहीं जानती। ये थे हमारे साथ मेरठ दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के शास्त्री नगर की जनता, जिनका मानना है कि पानी, बिजली, सड़क जैसी मूलभूत सुविधा भी इन तक नहीं पहुंच पाई है, अब भी ये मूलभूत सुविधा से महरूम है।